से बोले जी भ्रष्टाचार खत्म करना है, पर खत्म वतम कुछ भी नहीं हुआ है। रजिस्ट्री करवाने जाओ ना तो अंडर टेबल इतना रिश्वत चलता है, मैं क्या मैं भी घर बना लूँ। और आपको वैसे जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मेरे पास कालका में एक प्लॉट है 2 बिस्वे का, लेकिन आपको दूसरी खुशखबरी देनी थी जो आपको बिल्कुल पता नहीं है। मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ घर का। ये देखो दिव्यांका के हाल, दिक्कत वो नहीं है कि वो बात करते हैं करते रहे, लेकिन वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बात करते। मेरे हिसाब से जब हम किसी और के घर के बाहर बैठे होते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए ना कि दूसरा डिस्टर्ब ना हो। तो लीजिए दिव्यांका को छोड़कर मैं आ गई हूँ स्कूल से, और इधर का व्यू दिखा देती हूँ आपको। ये देखो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। और हाँ, ये प्रसाद चढ़ाया था कल मैंने, क्योंकि जब भी पेमेंट मिलती है तो प्रसाद लाते हैं, और वो घर के मंदिर में चढ़ाया था। और अभी मैंने सोचा कि सामान समेटती हूँ, बहुत बिखरा हुआ है। मैंने एक वाटर स्टोर ड्रम रखा हुआ था जिसमें मैंने बर्तन धो धो के रख दिए थे शिफ्ट करने से पहले, ताकि मुझे वहाँ पर जाके ज़्यादा काम ना पड़े, और ये ना हो कि मैं पुराने घर से नए घर में आऊँ और फिर जितना भी पानी है वो जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो जाए। इसलिए मैंने तकरीबन सारे कपड़े और जितने भी मेरे बर्तन थे किचन के, मैंने थोड़े थोड़े करके सारे धो दिए थे। और वाटर स्टोर ड्रम मैं आपको दिखा देती हूँ, उसमें रखे थे। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको खाली कर दिया मैंने, अब इसको पूरा खाली कर दिया ये वाले ड्रम को, ये वाला काफ़ी बड़ा ड्रम है, ये पानी स्टोर करने के काम आएगा, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं। अभी तो अप्रैल चल रहा है तो पानी की बहुत किल्लत हो जाती है हिमाचल में। मैंने सोचा इसको खाली कर देती हूँ ताकि इसमें मैं पानी भर के रखूँ। वैसे तो बड़ी टंकी भी है, आपने देखी है हमारी ब्लैक वाली टंकी, लेकिन वो सिर्फ वॉशरूम के लिए, जैसे कपड़े धोने हैं बाथरूम के यूज़ के लिए काम आ जाएगा वो पानी। अभी मैंने जितने भी बर्तन इसमें से निकाले थे ना, ये सारे मैंने यहाँ पर जमगढ़ बना दिया इनका, और दूध मैंने उबाल दिया था, और आलू गोभी बनाई थी जैसे कि आपको पता है, दिव्यांका को लंच में वो दे दी, और मैं उसका सैलेड डालना भूल गई हूँ। अभी प्रॉपर टिफ़िन, ये टिफ़िन बहुत बड़े हैं, ये मैंने उसके लिए स्पेशल मंगवाए हैं, इसमें पार्टीशन भी होते हैं, लेकिन दिव्यांका क्या करती है, बोलती है ये बहुत बड़े टिफ़िन है, मुझे छोटा टिफ़िन दो। ये भी ऐसा ही है, ये स्टील का है, वो प्लास्टिक का है सेम ही है। मुझे तो ये बहुत पसंद आए थे इसलिए मैंने मंगवाए थे, लेकिन मैडम बोलती है कि ये तो बहुत बड़े हैं, आप छोटा दो मेरे को। ये देखो कितना का बड़ा है ये, और इसमें एक में सैलेड आ जाता है, एक में चपाती आ जाती है, एक में कुछ और मीठा रख देती हूँ मैं, मतलब अच्छे से इसमें सामान अलग अलग सेट हो जाता है। बस दिक्कत ये है इस लंच बॉक्स में कि इसमें ना ग्रेवी वाली सब्जी नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके पार्टीशन तो आपने देख लिए हैं। इसमें एक कटोरी होती है जिसका ढक्कन ये है, लेकिन ये बहुत लूज है, उतना टाइट नहीं है कि ग्रेवी वाली सब्जी, मतलब हल्की सी भी ग्रेवी हो तो वो भी नहीं चल पड़ेगी इसमें। और ये देखो दिव्यांका के हाल, ये उसको मैंने तरबूज काट के दिया था कल कि खा ले, और मैडम ने इतना ही खाया, बाकी ऐसे रख दिया, ढकती भी नहीं है चीज़ को। ऐसा करते हैं बच्चे आजकल, बच्चे सुनते ही कहाँ हैं, जितना मर्जी बोलो पढ़ाई नहीं मार दिया उनको। तो आज के ब्लॉग में ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ घर का। मैं चाहती हूँ कि एक ही बार मैं आपको सिर्फ होम टूर दूँ, आपको हर चीज़ दिखाऊँ। अभी तो मैं खैर धीरे धीरे सेटल कर रही हूँ सारा सामान, तो धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ दिखा भी दूँगी और बता भी दूँगी यहाँ का माहौल कैसा है। बस एक दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक वो ये कि जो साथ वाले पड़ोसी हैं वो तो खैर अपने ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं, उनका हार्ट का ऑपरेशन है, वो 3 महीने की छुट्टी लेकर गए हैं, और जो ये बरामदा उनका खाली रहता है, तो जितने भी दूसरी बिल्डिंग के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, मतलब सारा दिन बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, और दिक्कत वो नहीं है कि वो बात करते हैं करते रहें, लेकिन वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, और पता चल जाता है कि जिससे वो बात करें उसके घर में खाना तक क्या बना है वो चीज़ पता लग जाती है, वो कौन और कौन कौन इंसान उसको खाएगा ये भी पता चल जाता है, मतलब
धीरे बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब हम किसी और के घर के बाहर बैठे होते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए ना कि दूसरा डिस्टर्ब ना हो। कई बार मैं बीमार होती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती और मुझे तो आवाज़न से वैसे ही बहुत दिक्कत है। मुझे आवाज़ों से इसलिए दिक्कत है क्योंकि मैं तकरीबन 6 साल डिप्रेशन में रही हूँ। तो डिप्रेशन से निकलने के बाद भी मेरी वो जो डर है ना, आवाज़ों का डर, वो मेरे अंदर फियर है। एक तो बसेस वगैरह में मैं सफ़र करती हूँ तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं गिर जाएगी। मतलब एक तो वो फियर है मेरे अंदर और दूसरा ये आवाज़ों का, जैसे बादल भी गरजते हैं ना, मुझे उससे भी डर लगता है। और डिप्रेशन से निकलने के बाद भी ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। और जब से मैं पंजाब से आई हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब ऐसे तो मैं सारा काम करती हूँ, कोई भी चीज़ का ये नहीं करती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं काम नहीं करूँगी। काम तो मेरा लगातार, सिलाई का भी कर रही हूँ मैं, घर का भी कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, दिव्यांका को भी लेके आती हूँ। सुबह तो खैर उसके पापा छोड़ ही देते हैं उसको, पर सुबह भी वो मुझे खींचती है कि आप चलो साथ में, मुझे बाएं करके आओ, वहाँ पर जाकर गेट तक छोड़ के आओ मुझे। तो इसीलिए मुझे जाना पड़ता है, अदरवाइज मैं घर पे रेस्ट कर लूँ उतनी देर में, पर क्या करें, उसको आदत भी नहीं डाली ना मैंने अकेला आने जाने में, इसलिए वो ऐसा करती है। अभी मैं एक कप चाय बनाऊंगी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक कप चाय बनाती हूँ। वैसे तो देखो मैं काली चाय पीती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा दूध डाल के दूध वाली चाय बनाऊंगी। और मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि 1 महीने के लिए ये चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं। इसमें है 1 मंथ लीव, ये शुगर, ऑयली आइटम्स और मिल्क टी। और ये 4 अप्रैल से लिख के रखा हुआ है। और गुड़ वाली चाय बनाऊंगी मैं, गुड़ डालूंगी चाय में, क्योंकि मैं अपनी चाय में गुड़ ही यूज़ करती हूँ। वैसे चीनी तो मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ रखी है, पहले जैसे मीठा भी नहीं खाती हूँ मैं। और मैंने सोचा था आज कुछ बातें कर लूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा मन बहुत भारी है तो हल्का हो जाएगा बात करने से और मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मुझे अपना मन हल्का करना है इसलिए मैं कुछ एक चीज़ें आपको बता देती हूँ। मेरी बहन ने घर बहुत अच्छा बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने शिद्दत से घर बनाया ना कि दिल खुश होता है देख के। इतना कलर कॉम्बिनेशन हो गया, अंदर वाइट दीवारें, जैसा मतलब मेरा मन कर रहा था ना मेरा घर बने, वैसा सेम उसका बना है शिवानी का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी घर बना लूँ। और आपको, वैसे जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मेरे पास कालका में एक प्लॉट है 2 बिस्वे का। लेकिन आपको दूसरी खुशखबरी देनी थी जो आपको बिल्कुल पता नहीं है। तीसरी खुशखबरी आपको मिलेगी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3-4 महीनों में। मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपको आइडिया ना लग जाए कि मुझे क्या खुशखबरी आपको देनी है। और एक प्लॉट तो आपको पता है, दूसरा प्लॉट आपको नहीं पता है। दूसरा प्लॉट की वीडियो मैं डालूंगी। मेरा दूसरा सेकंड प्लॉट भी बन गया है। और वो कब बना था, ये जो पीछे जून गया है ना, जून के मंथ में, जून 2023 में मेरी रजिस्ट्री कंप्लीट हुई, क्योंकि पंजाब में रजिस्ट्रियां बंद हो गई थी आप सरकार के आने के बाद। तो वो थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, लेकिन पैसे बहुत खाते हैं भाई। रजिस्ट्री जब करवाने जाओ ना तो अंडर टेबल इतना रिश्वत चलता है, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। मैं कान पकड़ती हूँ कि मतलब जितना आपका प्लॉट का रेट होता है ना, उतनी तो आप लगभग, उससे आधी तो रिश्वत में ही चल जाता है। बंदा क्या करे, अब हर जगह यही धांधली चल रही। वैसे बोले जी भ्रष्टाचार खत्म करना है, पर खत्म वत्म कुछ भी नहीं हुआ है, सब वैसे का वैसा ही है। ये सब दिखावा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, खत्म कर दिया, कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब वैसे का वैसे ही चल रहा है जैसा था। अब मैं चाय बना लेती हूँ। ये थी सबसे बड़ी खुशखबरी कि मेरा 1 नहीं 2 प्लॉट हो गए हैं, और मैं इस बात से इतनी खुश हूँ। मतलब मैं तो पहले से ही खुश हूँ, लेकिन आप लोगों को बताने का कोई ऐसा ही मौका नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी कि कभी सही मौके पर आपको बताऊँ, तो आज मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको बता देनी चाहिए। अब छोटी बहन का घर बन गया है तो वो मेरा ही घर है। अगर मैंने ब्लॉग में बोल दिया था कि मेरा घर है पंजाब में, ये मैंने बनाया है, तो ये बात तो गलत है कि वो मैंने बनाया है। वो मैंने नहीं बनाया, वो शिवानी और शिवानी के हस्बैंड की मेहनत है, उनकी चाहत, उनकी दिल की, उनकी शिद्दत है वो। और बहुत अच्छा घर बन गया है, भगवान उनको और दे। और मेरा दूसरा प्लॉट मैंने आपको बताया नहीं था, इसलिए वो भी बता दिया। पंजाब के चक्कर क्यों लग रहे थे पिछले साल, मैंने आपको बोला था कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि मैं बार बार पंजाब क्यों आ रही हूँ। अदरवाइज हम साल में सिर्फ एक बार जनवरी में ही जाते हैं मेरी मम्मी के पास,
और बहन से मिलने, अदरवाइज मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और साल में एक ही बार जाते हैं हम, दूसरा चक्कर हमारा कभी नहीं लगता, लेकिन प्लॉट की वजह से दूसरा भी लगा, तीसरा चौथा चक्कर तक लगाए, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, रजिस्ट्रियाँ बंद थी, उसके चक्कर में हमने मिलना भी था जिससे प्लॉट लिया है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। बस निकल गया जो टाइम निकलना था, और बस भगवान सब कुछ अच्छा रखे, सबको खुश रखे, और जैसे हमारी कामनाएं पूर्ण की हैं भोलेनाथ ने, वैसे सबकी कामनाएं पूर्ण करे। और क्या बोलूं, मतलब आज तो स्पीचलेस हूँ, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी जो खुशी है ना वो मेरी बहन का घर बनने की है। पता क्यों? क्योंकि मैं अगर पंजाब जाऊँगी ना एट ए टाइम, अगर मैं बोलूँगी कि मुझे कहीं रुकना है मतलब मम्मी के घर के अलावा, तो वो मेरी बहन है, अदरवाइज मैं किसी और के घर जाती नहीं हूँ। और मैं इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि उसका घर बन गया, काफ़ी स्ट्रगल किया है उन लोगों ने अपना घर बनाने के लिए, चलो फाइनली भगवान ने उनकी कामना पूर्ण की और जल्दी से जल्दी हम अपना भी घर बनाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दो एक चीज़ें हैं जिससे मैं फ्री हो जाऊँ, तो फिर घर बनाने में एक ही बार में घर बना देंगे, मतलब आधा आधा काम में करवाना नहीं चाहती हूँ, एक ही बार में घर बनाना है। तो दो खुशखबरियाँ अब घर बनने की, और एक और जो सरप्राइज आप लोगों के लिए, ये मैं आगे आने वाले मंथ में आपको बता दूंगी, क्योंकि जैसे मैंने ये मौका ढूंढ लिया आपको बताने का, तो और मौके भी ढूंढूंगी। अभी मैंने खास चीज़ें तो बताई नहीं आप लोगों को, खास कुछ खास नहीं था इस ब्लॉग में, सिर्फ बात करने का मन था, मन भारी है, तबीयत ठीक नहीं है शायद इस वजह से, भगवान जाने। और मम्मी वगैरह गए हुए हैं ऊना मथा टेकने, और बाबा बालकनाथ, उनका फ़ोन भी आया था कल। और बस अपनी अपनी लाइफ में सब बिज़ी हो गए हैं, मैं भी बिज़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरा पंजाब का एक चक्कर तो बीच में लगेगा, क्योंकि है कुछ चीज़ मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले कंप्लीट होने दीजिए फिर मैं बताऊंगी। अभी स्ट्रगल नहीं दिखाना चाहती मैं आपको अपना, मैं इसीलिए स्ट्रगल वाले वीडियो डालती ही नहीं हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने वो किया, मुझे ये फेस करना पड़ा, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं चाहती हूँ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले, आपको स्ट्रगल देखने को ना मिले, शायद इसीलिए मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ा अब तक, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं। पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका तो कोई पैसा नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमें सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि आपकी इस सपोर्ट की वजह से ना काफ़ी भला हो सकता है लोगों का, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो आने वाले टाइम में मेरा चैनल जब ग्रो करेगा ना, उसके बाद अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँगी, कैपेबल हो पाऊँगी, तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जब किसी के लिए कुछ करती हूँ ना वो दिखाती नहीं हूँ, तो मैं चुपचाप करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी चुपचाप मेरी हेल्प कर दीजिए, ताकि मैं किसी और की हेल्प कर सकूँ। तो ठीक है, इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मैंने चाय पत्ती भी नहीं डाली है, चाय पत्ती मैं तेज़ पीती हूँ, चाय में मुझे चाय ऐसी पसंद है, चाहे दूध कम हो लेकिन चाय पत्ती ज़्यादा, चीनी दूध भले ही कम हो जाए लेकिन चाय पत्ती ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक चाय पत्ती नहीं होगी ना, तब तक चाय का मज़ा नहीं आता। ठीक है, इसी चाय वाले ब्लॉग के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरी बातें सुन के अगर आपको अच्छा लगा तो दुआएं कीजिएगा कि जैसे मेरी बहन का घर बन गया, मेरा भी बन जाए, और फिर नए घर का टूर कराएंगे आपको, और इस घर का टूर मैं एक दो दिन में आपके सामने लाऊंगी, क्योंकि अभी ये सब चल रहा है, ये जो सेटिंग वेटिंग थोड़ी बहुत मैं कर रही हूँ, पेंट होने के बाद घर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो मेरे ब्राउन वाले नीचे घर में 3 रैक थे, उनको मैंने वाइट पेंट कर दिया, डबल ट्रिपल कोट, और 2 रैक लगा दिए, एक मैंने निकाल दिया, मैं ज़्यादा यहाँ पर बिखराना नहीं चाहती सामान। और ये रैक इधर लगा है, और यहाँ बाहर का व्यू मैं आपको दिखा दूँगी जब मैं आपको होम टूर दिखाऊँगी, बहुत ही प्यारा व्यू है चारों तरफ, बहुत खुशी होगी आपको देख कर। तो और ये रैक वगैरह है ना यहाँ पर, ये कैबिनेट्स, इनका बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छी किचन है। भगवान ने मुझे, मैंने एक गाना सुनती थी, आई मीन हेवन, तो अभी मैं सच में हेवन में हूँ, और वो ना बहुत दिल के करीब है मेरे गाना, मैं नीचे वाले घर में ना उसको बहुत अच्छा से फील करती थी उस गाने को, और सच में उस गाने ने मुझे ना जन्नत में पहुँचा दिया है। वो BTS का गाना है, टेयंग का, मेरा फेवरेट है टेयंग और जंगबुक, तो उनके सॉन्ग मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो ये हेवन वाला गाना तो रोज़ 3 से 4 बार चलता ही चलता है, मुझे बहुत पसंद है, आप भी सुनिएगा आपको भी पसंद आएगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब रेगुलर ब्लॉग आएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।